अगर जाल सही डाली तो घर वाले रात की रोटी खा पाएंगे और थोड़ी सी गलती हुई तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है। जी हाँ, आज भी दक्षिण पूर्व एशिया स्थित लाओस के कुछ मछुआरे हर दिन ऐसे खतरे से लड़ते हुए परिवार पालते हैं। मेकोंग नदी के उफान मारते पानी में बेहिसाब मछलियाँ हैं। मछलियाँ एक बार बहाव के साथ नीचे जाती हैं और फिर कुछ महीनों बाद वापस लौटती हैं। इस दौरान मेकोंग के किनारे रहने वाले लाओस के कई मछुआरे उन्हें पकड़ते हैं। बरसात के दौरान ये काम दुनिया के सबसे जोखिम भरे कामों में से एक होता है। मानसून के दौरान कई घंटे के इंतजार के बाद भी जब कोई मछली हाथ नहीं लगती तो सामनियांग एक पतले तार के जरिए उफनती नदी पार करते हैं। उनके नीचे हर सेकंड 1.1 करोड़ लीटर पानी बहता है। जरा सी चूक का मतलब है लहरों में हमेशा के लिए गुम हो जाना। इतनी खराब हालतों के बाद भी वे ओनयांग नदी पार जाते हैं। वहाँ उन्हें मछलियाँ मिल जाती हैं। न्यांग का 7 लोगों को परिवार आज फिर पेट भर खाना खाएगा, लेकिन अगली सुबह न्यांग एक बार फिर खाना जुटाने के लिए जान दांव पर लगाएंगे। बता दें कि लाओस की गिनती सबसे गरीब देशों में होती है। तख्तापलट और गृह युद्ध झेल चुके इस देश में आज भी आधारभूत संसाधनों की भारी कमी है, लेकिन बीते 1 दशक से देश का पर्यटन उद्योग काफी फूल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।